अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई। आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी। और आज आपने सारी चीजों को एक तरफ कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया। चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए, आरसीपी जी जाके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पुनः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और ये बात 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद 11 नवंबर 2020 को ऐसी एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज्यादा सरकार चलेगी नहीं। और अब देखिएगा, अब यहां से इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। कई इनके जदयू के ही ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के भी संपर्क में। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से ना सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी बल्कि तथाकथित जो एनडीए गठबंधन वहां पर चल रहा है उसमें भी टूट होगी। और उसके बाद जैसा मैं बार बार कहता हूं कि मध्यावधि चुनाव बहुत जल्दी बिहार में होंगे और हम सब कहीं ना कहीं उसी की तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां एक तरफ मेरा संकल्प है कि मेरे परिवार के लोगों ने जब मुझे अब धोखा दिया तो अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं है, तो एक तरफ जहां उनसे आशीर्वाद लेना मेरी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि भैया अभी गठबंधन में कौन है नहीं है, कौन साथ है, कौन विरोध में है, मैं किसके साथ हूँ नहीं हूँ, बिना इस बात की चिंता किए हुए। क्योंकि समय फिर से कम है, जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस यात्रा के माध्यम से संगठन को भी कैसे मजबूती दी जाए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हनुमान ने तो अपनी भूमिका पूरी निभाई, अब राम ने क्या किया या क्या करेंगे या क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा भाई, सब भविष्य के घर में। मैंने तो बोला आज की तारीख में मेरी वो हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं या किसी से प्रश्न पूछूं। जब मेरे अपनों ने ही, मेरा भाई खुद, मेरे चाचा, जब उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे पूछूं कि भाई आप मेरे साथ नहीं है या आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया, वो ऐसे नहीं है। आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि आप तेजस्वी या किसी दूसरे से गठबंधन करेंगे, आज की तारीख में ये प्राथमिकता नहीं है। चुनाव के वक्त ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं कि आप किसके साथ गठबंधन में है नहीं है। तो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा जिस दिन चुनाव आयोग, जिस दिन यहाँ की सरकार गिर जाएगी जो कि जल्द गिरेगी, उस दिन इसमें चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भैया ऐसे जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कम अपने पार्टी के कार्यालय में ज्यादा समय देते हैं, वो खुद ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई हम लोग क्या बोलेंगे कि चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री खुद ही, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो खुद ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए। लव कुश समीकरण क्यों साध रहे हैं भैया? ये सारी चीजें आप चुनाव के वक्त करते हैं ना, समीकरण साधना, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्योंकि वो खुद आज नहीं तो कल वो अपना समर्थन खींचेंगे। और जिस तरीके से वो पलटी मारते रहे हैं इससे पहले भी, कभी महागठबंधन के साथ, कभी मोदी जी के साथ, फिर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के नाम पर अलग होना, फिर महागठबंधन में जाना, फिर लालू जी को धोखा देना, ये करते रहेंगे और यही प्रैक्टिस। मैं बिल्कुल कल मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और कल मैं अपने गांव भी जाऊंगा, शहरबन्नी भी मैं जाऊंगा और वहां पर जाकर उनसे भी, बड़ी माँ से भी आशीर्वाद लूंगा और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ मेरा ये परिवार मेरे साथ है। जब एकदम अपने करीबियों ने आपको धोखा दिया, पर कई ऐसे और परिवार के लोग हैं मेरे जो आज की तारीख में मेरे परिवार के कुछ नाराज लोग भी थे, मेरी सिस्टर और जीजा जी, मुझे खुशी है कि वो सब भी आज की तारीख में इस कठिन घड़ी में मेरे साथ।